नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप इन दिनों हार्ट अटैक के बारे में काफ़ी सुन रहे होंगे। हाल ही में कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें सेलिब्रिटीज से लेकर के आम लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई, और ये हार्ट अटैक भी बड़े अजीब और गरीब किस्म से उनको आए हैं। मैं अगर बात करूँ राजीव श्रीवास्तव की, तो उनको भी हार्ट अटैक आया। अभी 1 साल पहले सिद्धार्थ शुक्ला को भी हार्ट अटैक आया था। और 2 दिन की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में पार्वती बनकर एक लड़का स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, 19 साल की उम्र है उसकी, वहीं वो गिर जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। 4 दिन पहले की बात करूं तो हनुमान बने एक कलाकार जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, भजन पे नृत्य कर रहे थे, 35 साल की उनकी उम्र है और वो कलैप्स कर जाते हैं। ये बहुत सोचने की बात हो गई है कि इस तरीके के हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, इनकी क्या वजह है। मतलब बहुत सारी इसकी वजह है। मेरे साथ डॉक्टर ममतेश गुप्त जी हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मतलब इतनी कम उम्र में और इतनी जल्दी जल्दी हार्ट अटैक के हमने केसेस सुने हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार एंड धन्यवाद। से भी आपका बहुत स्वागत करती हूँ। ये जो मैंने आपसे 2-3 केस बताए हैं, इससे आपको लग रहा होगा कि बहुत उम्र का कोई हार्ट अटैक को लिहाज नहीं है, कोई उनको मतलब कहीं भी कोई भी आदमी कोलैप्स हो रहा है। जी, आप जी, क्या जी. मानते हैं इसको? मनमिंदर जी, देखिए कई ऐसे एपिसोड्स हुए हैं। जैसे सबसे पहले हुआ है ये सिद्धार्थ शुक्ला जी का। जैसे वो बहुत फिटनेस फ्रीक थे, बहुत ज्यादा जिम करते थे, बॉडी एकदम उनकी फिट थी। उनका अचानक ऐसे कोलैप्स कर जाना, जहां तक है ये यंग एज में जो ये हो रहा है, ये एक्सट्रीमली फिट लोग जो होते हैं इनका ओवर एक्सरसाइज करने से एथलेटिक हार्ट सिंड्रोम कहते हैं जिसे। तो ऐसे हाँ, इन लोगों का क्या होता है कि इनके हार्ट कार्डियोमायोपैथी जैसा हो जाता है, हाइपरट्रॉफिक मसल्स हो जाती हैं एक्सेसिव वेट मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग करने की वजह से। और ऐसे इन लोगों को फिर जब ये एथलेटिक हार्ट हो जाता है, हाइपरट्रॉफिक मसल्स हो जाती है, तो धड़कन बहुत इन लोग की स्लो रहती है। और ऐसे पेशेंट अगर कभी कभी लिमिट से ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं, बहुत ज्यादा अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो इनका हार्ट फेल हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि एक्सेस किसी भी चीज की गलत है। आप फिट रहिए, आपका बॉडी मास, आपका बॉडी वेट, आपका बॉडी मास इंडेक्स, ये सब विद इन जो नॉर्मल रेंज है उसमें होना चाहिए। बट एक्सेसिव एक्सरसाइजेस एंड बहुत ज्यादा इसके लिए आप मैनिक होके और बहुत ज्यादा आप जब इसके लिए ऑब्सेस्ड होके जब इसको करते हैं, तो ये इन अ वे आपकी हार्ट हेल्थ को ही अफेक्ट करता है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज करिए, अपने आप को एक्सरसाइज करिए, बट एक लिमिट तक करिए। जैसे कि अगर आप स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो आपको थ्राइस अ वीक से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, 3 times 3 days a week, यानी कि आपको 4 days ऑफ करना चाहिए। आप मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो आप वो 5 days a week कर सकते हैं, 2 days तब ऑफ करना है। और आप माइल्ड ग्रेड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो आप डेली करते रहिए। एक बात और है, मुझे याद पड़ रहा है जब सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ होती है, ये पता चलता है कि वो जिम कर रहे थे, तो राजू श्रीवास्तव भी फोन पर जैसे कि बातचीत होती है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया था, मुझे आज भी याद है। और उनकी बात मुझे काफी ठीक भी लगी कि आजकल जो यूथ है वो मतलब फिटनेस के लिए जिम तो करता ही है, लेकिन और बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनको जो जिम में एक्सपर्टीज होते हैं वो उनको खाने के लिए देते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इसमें जो इनको ना मसल मास बिल्डिंग के लिए जो साथ में एनाबॉलिक स्टेरॉइड दिया जाता है इन प्रोटीन पाउडर्स में, ये भी क्या करेगा, एक तरीके का ये चाबुक है आपको। उस टाइम पे तो आपको ये आपके अंदर पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज करके आपकी उस टाइम तो एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ा देगा, बट अल्टीमेटली तो आपके हार्ट को की हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो मैं चाहूंगी कि अगर कोई
मसल बिल्डिंग की तरफ है, मसल स्ट्रेंथनिंग करना चाह रहा है, तो वो नेचुरल प्रोटीन सप्लीमेंट ले, ना कि ये वाले जो प्रोटीन्स हैं जो जिम में मिलते हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि इनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, और ये जी फिर हार्ट को हार्म पहुंचाते हैं। डॉक्टर अब साहब, एक और, ये जी एक एक और भी वजह चर्चा में है। जैसे अभी हमने पैंडेमिक फेस किया है, तो जिन लोगों को कोरोना हुआ, क्या ये भी कोई वजह है? मतलब कोरोना ने भी ऐसे केसेस को बढ़ावा हाँ दिया है? जैसे मतलब एकदम जी, फिट फाट बंदा है और वो एकदम कलेश कर गया, जैसे स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है बच्चा, 19 साल की उसकी उम्र है और वो वहीं क्लैप्स कर जाता है। हालांकि ये स्पेसिफिकली पता नहीं है कि उसको कोरोना हुआ या नहीं हुआ, नहीं लेकिन मतलब चूंकि हमने एक पेंडेमिक को फेस किया है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये भी एक रीजन हो सकता है? yes, बिल्कुल आप सही कह रही हैं मनमिंदर जी। कोविड के बाद एक तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम ना, हार्ट की मांसपेशियां जो है वो वीक हो जाती है, इसको पोस्ट कोविड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कोविड और कोविड वैक्सीन दोनों ही ये आर्टरीज के अंदर या लंग्स की आर्टरीज के अंदर क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ा देती है। तो कोविड के कुछ महीनों से सालों तक हार्ट अटैक का रिस्क रहता है, और इस वजह से भी ये जो यंग एज और इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, लाइक ये कोविड में तो जैसे कि बच्चे हैं उनके भी उसमें भी क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ा सकता है कोविड, तो ये भी एक रीजन है कि हार्ट अटैक के एपिसोड यंग एज में बढ़े हैं। अच्छा एक चीज और है इसमें मैं बताना चाहूंगी, एक तो था श्योर। हार्ट अटैक होना, हार्ट अटैक का मतलब हमारी लैंग्वेज, हमारे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें होता है कि किसी आर्टरी के बंद होने को हार्ट अटैक कहते हैं, पर ऑब्वियसली ये पेशेंट जो कोलैप्स हुए हैं ये हार्ट के सफिशियंट पंप ना करने से, हार्ट की गति रुक जाने की वजह से कोलैप्स हुए हैं, यानी कि जी कोई भी डेथ होती है उससे पहले, मतलब बाकी सब अंगों के बाद जो डेथ होती है उसका मेन रीजन तो कार्डिक अरेस्ट ही होता है। तो हम ये कह जी सकते हैं ये सब कार्डिक अरेस्ट के केसेस हैं, बट इनमें से कितने केसेस इस वजह से हैं कि उनकी आर्टरीज बंद हुई, ये तो ऑटोप्सी पे ही पता चलेगा। तो ये कहना कि कोई कोलैप्स हो गया एक्सरसाइज करते हुए तो वो हार्ट अटैक की वजह से कोलैप्स हुआ, या फिर उसका हार्ट स्टॉप कर गया, हार्ट ने पंप करना बंद किया जिसे कहते हैं कार्डिक अरेस्ट, उसका क्या और रीजन था कि जैसे एरिथमियाज एक कॉज होते हैं, मसल रप्चर एक कॉज होता है, तो ये चीज डिसर्न करना तो ऑटोप्सी पे ही पता चल सकता है कि क्या रीजन रहा। हाँ डेफिनेटली कार्डिक रिलेटेड डेथ्स हैं ये, और आपने बिल्कुल सही कहा, एक तो ये ओवर एक्सरसाइजिंग, ये फिटनेस फ्रीक एंड इसके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होना एक रीजन बन रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्सरसाइज तो करें पर उसका भी एक लिमिट करें। आप एक्सरसाइज करें फिर जैसे बॉडी मसल्स हैं ऐसे कार्डिक मसल्स हैं, आपने उनको इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया उनके बाद उनको रेस्ट भी तो चाहिए, और अगर ऑब्वियसली नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो हार्ट मसल्स अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वीक होंगी और उनके बैड इफेक्ट्स आएंगे। डॉक्टर साहब, मतलब आम अगर कोई, जैसे मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक किसी को आने वाला है, तो उसके जी क्या कोई सिम्टम्स होते हैं हाँ, जिसे मतलब पता चल जाए? जैसे 2 दिन, 3 दिन, कई बार डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि 3 महीने पहले से कुछ अलार्मिंग चेंजेस आते हैं बॉडी में, इज इट? मतलब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल जैसे कि अगर किसी को, एक तो ये कि बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स कौन, मतलब हाई रिस्क कैंडिडेट्स कौन है जिनको कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अगर कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, स्मोकर है, किसी की फैमिली में हिस्ट्री है, कोई ओबीज है, तो ऐसे ऐसे लोगों को तो ऑलरेडी रिस्क होता है कि उनको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा वो कैसे जाने कि उनको हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम का मेरा मतलब है कोई आर्टरी उनकी ब्लॉक तो नहीं हो रही, चोक तो नहीं हो रही है, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट तो नहीं हो रहा, एक अपना एक रूटीन लिपिड प्रोफाइल कराएं, और जी सिम्टम्स में इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप चल रहे हैं, तेजी चल रहे हैं, तो आपके निचले जबड़े से लेकर और नाभि तक आपको जकड़न आ जाए, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो जो हाथों में भी चली जाए, तो ये एंजाइना का लक्षण है, इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं आर्टरी ब्लॉक होने लगी है। आप इसके लिए अपने डॉक्टर को दिखाएं और उसे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हार्ट का पेन होता है वो कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं होता है, हम जैसे
लेफ्ट साइड का पेन है तो हम सोचते हैं कि हार्ट का पेन है, जो टुबक ये हम टेलीविजन के सीरियल्स वगैरह आलोक बाबू जी को देखा कि उन्होंने इधर छाती पकड़ी और हार्ट, हाँ ये लेफ्ट साइड में हार्ट का पेन नहीं होता है। हार्ट का जो पेन होता है वो इम्पोर्टेंट है, ये देखिए ध्यान से, निचला जबड़ा जहां तक जा रहा है, एक जी गला और बीचों बीच होता है, और हाथों जी में भी होता है, कोहनियों में आ जाए, हाथों में आ जाए, और राइट साइड में अगर हो गया तो बहुत क्लासिकल होता है कि वो हार्ट का पेन है। और अगर वो एग्जर्शन पे आ रहे, यानी कि आप सीढ़ी चढ़े, तेजी चले, दौड़े तो आपको हो गया, आपने थोड़ा सा रुक गए तो वो सबसाइड कर गया, तो ये जी एंजाइना पेन है। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर आपका ये भी कर सकता है कि आपका ये ट्रेडमिल टेस्ट करेगा, अगर ट्रेडमिल टेस्ट खराब आता है तो समझ लीजिए कि वो कार्डिक पेन है। जी आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे ब्लॉक, दिल की जी जैसे ब्लॉक लगी है, तो और एक मतलब और चीज, टेस्ट जो आपने बताया है वो लिपिड प्रोफाइल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी या कोई और भी टेस्ट होता है? फाइल से नहीं होंगी, लिपिड फाइल तो ये बताएगा कि रिस्क है नहीं, अगर बड़ा हुआ है, डिरेंज्ड हाँ है, तो वो मतलब वो पर्टिकुलर वो टेस्ट क्या है वो थोड़ा आप दर्शकों को बताइए। पेशेंट वॉक कर सकता है, उसके जोड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नी नी जॉइंट्स में, तो वो ट्रेडमिल टेस्टिंग है। इसके अलावा सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, जैसे तो आपको पता चल जाएगा कि आर्टरी में ब्लॉक तो नहीं है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, एथलेटिक्स हैं और रेगुलर जिम जाते हैं, उनको अपना इको कराना चाहिए, देखना चाहिए कि उनकी हार्ट की मसल्स हाइपरट्रॉफी यानी कि मोटी तो नहीं हो रही है। इसका मतलब अगर वो हाइपरट्रॉफिक हो रही है, उनकी धड़कन कम हो रही है, इसका मतलब उनके जो एक्सरसाइज है वो उनके हार्ट को बैड इफेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनको कुछ तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इस जी ओवर एक्सरसाइज इज ऑल्सो बैड फॉर हार्ट। अच्छा, ये साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब होता है कि आपको कोई सिम्टम नहीं आया, कोई वार्निंग सिम्टम नहीं आया, और आपको हार्ट अटैक हो गया। स्पेशली डायबिटिक्स, डायबिटिक्स में क्या होता है, न्यूरोपैथी होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो उनकी जितनी भी नर्व्स होती है, आप देखें डायबिटिक को डायबिटिक फुट हो जाता है, उसको शू काटता है उसको पता ही नहीं चलता, ऐसे ही हार्ट पेन, हार्ट की नसें बंद है बट उसको एंजाइना ही नहीं हुआ, विदाउट एनी और सोते सोते रह गए, हार्ट अटैक हुआ। तो मैं कहूंगी डायबिटिक्स हो गए, या फॉर दैट मैटर कोई भी ऐसा है, तो आप अपने रेगुलर टेस्ट कराइए ना, हॉस्पिटल जाइए, ईसीजी, टीएमटी, जो भी आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको टेस्ट बताए, आपका फिजिशियन जो है वो टेस्ट बताए, वो कराइए, टाइमली आप डायग्नोस होंगे तो हो सकता है आप आने वाली बड़ी प्रॉब्लम से बच जाए। अब जैसे हमने जिन केसेस को हमने लिया है अपने इस टॉक में, ये सब लोग मतलब यंग हैं। अगर राजू श्रीवास्तव को छोड़ दिया जाए, उनका उम्र थोड़ा ज्यादा है, उनका लेवल, वो कोई, हाँ भी इस समय जिंदगी और मौत के साथ संघर्ष कर रहे हैं, और भी कुछ रीजंस हैं उनके साथ। लेकिन तीन चार जो मैंने केसेस आपको बताए ये काफी यंग हैं। और एक तो देखिए जो जो जम्मू में जो स्टेज परफॉर्म कर रहा था लड़का, पार्वती का रोल कर रहा था, उसकी 19 साल उम्र है। तो इतनी कम उम्र में मतलब क्या क्या हो सकता है? बड़ा मुश्किल है, जब तक कि अगर ऑटोप्सी नहीं होगी ना, कॉज ऑफ डेथ जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेथ खाली इस चीज से ही नहीं होती है कि हार्ट स्टॉप कर गया, अगर सपोज वहां बहुत भीड़ है, सफोकेशन है, ऑक्सीजन लेवल भी अगर आपका एक पॉइंट से नीचे चला गया और दूसरा आपने बिल्कुल सही कहा, हो सकता है कोविड हुआ हो, कोविड के बाद जो लंग्स की आर्टरी है इनमें भी क्लॉटिंग होता है, जैसे पल्मरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म कहते हैं, पल्मरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं, पल्मरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं, तो हो सकता है उसको कोविड हुआ हो, या अब उसका पहले बेचारे का कोई कार्डिक चेकअप तो हुआ नहीं, जब उसने एक्सरसाइज किया तो उसका वो हार्ट उतना हाँ, एक्सरसाइज मतलब कर, जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है वो भी एक तरह की एक्सरसाइज ही है, पूरी बॉडी उसकी। अगर वो डांस कर रहा है तो इट्स लाइक मतलब जैसे जिम में होता है ऐसे ही, मतलब उसका भी बॉडी उस समय उतना ही पंपिंग कर रहा होगा। नहीं पता है कि पहले से वो कितना एक्सरसाइज करता था नहीं करता था, बट हाँ ऑब्वियसली एक कॉज ऑफ कंसर्न तो है ही है कि यंग पेशेंट्स जा रहे हैं, यंग मतलब
हमारे आप अपनी तरफ से मतलब क्या कहना चाहेंगी जो हमारा यूथ है, बाकी और भी जो उम्र दराज के लिए भी हम बात करेंगे, यूथ के लिए आप क्या कहेंगे कि वो अपना लाइफस्टाइल किस तरीके का रखे ताकि वो कम से कम हार्ट अटैक से बचा रहे? यूथ को मैं यही कहना चाहूंगी कि एक्टिव रहे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना रखे, जंक फूड ना खाए, घर का बना खाना खाए। घर का बना कभी कभी चाहे फ्राइड भी खा ले, बट घर का बना होना चाहिए, प्रिजर्व्ड फास्ट फूड नहीं होना चाहिए। वो मतलब ये हेल्थ के लिए, क्योंकि जितने भी ये मार्केट में जो आपको रेडी टू यूज फूड्स है, हाँ, घी हो अभी गई या आजकल सड़न भी बहुत हो गया ना, बहुत लोगों ने बाहर का खाना बहुत शुरू ऑनलाइन, कर दिया, क्योंकि तो वो घर में भी आ जाता है खाना बना बनाया। और क्योंकि होता अगर है कि हम ट्रांस 10 साल पहले तक देखें तो बाहर खाने के लिए लोग जाते थे, उसी को काफी मतलब जो घर के बुजुर्ग लोग होते थे वो कहते थे कि क्या रोज जाते हो, घर का बना हुआ खाना खाओ। अब बाहर का खाना घर आ जाता है, तो दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग ना। बस वही सेम ही चीज है, प्रोसेस फूड है। आपको ये नहीं पता उसमें कैसा ऑयल यूज हो रहा है। आप देखें, ऑयल अगर रीहीट होता है तो ट्रांस फैट में चेंज हो जाता है, और जी ट्रांस फैट बहुत रिस्की है, जाके कोरोनरी में हिट मारेगा, क्लॉगिंग जी जी करेगा, बनाएगा। तो खाने का ध्यान रखें, फिट रहे बॉडी, आप एक क्रिएटिव, आपका जो बॉडी वेट है ओवर वेट ना हो, और अवॉइड करें कि आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी ना हो। एक बार ये नहीं, इम्पोर्टेंट है, इसको इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे एब्डोमिनल? आपका जो वेस्ट हिप रेशियो होता है ना, ये आपका बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर आपका इसके मेजरमेंट से इसके पूरे वो है क्राइटेरिया, तो आपका ये अगर डिरेंज हो रहा है, इसका मतलब कि आपको ये बहुत रिस्की है। एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है वो विसरल फैट को डिनोट करती है, और विसरल फैट जो होता है वो बहुत रिस्की होता है, और आपको मेटाबॉलिकली आप डिरेंज्ड हो, और ये दिस इज अ हाई टाइम पे, जब अगर आपका एब्डोमिनल ओबेसिटी हो रहा है तो आपको एक्शन लेना चाहिए और अपना वेट रिडक्शन प्रोग्राम करना चाहिए। वेट रिडक्शन करने के लिए एक तो आप हेल्दी खाएं, हेल्दी इन द सेंस कि आप खाली गेहूं, ग्लूटेन पे डिपेंडेंट ना, गेहूं जो होता है वो ग्लूटेन का सोर्स होता है, जो वो बहुत ज्यादा इसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो ये डायबिटीज करेगा। तो आप करें मल्टीग्रेन रोटी पर, और इसको छाने ना, चोकर जो होता है वो एक फाइबर होता है, तो ये जी छलनी है, आटे को छाने नहीं, और मल्टीग्रेन आटा यूज करें, हर तरीके का अनाज मिक्स कराएं उसमें, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, रागी, इसको मिक्स करें। और जो चीनी है, चीनी जो व्हाइट चीनी होती है, व्हाइट हर चीज बुरी होती है, तो व्हाइट चीनी, मैदा, ये सब अवॉइड करें। नमक, व्हाइट चीनी की जगह नमक गुड़िया तो हो शक्कर, गया, लेकिन दूध, व्हाट अबाउट दूध? कहते हैं हाँ दूध जरूर पीना चाहिए। A2 मिल्क, गाय का मिल्क जो होता है, जो देसी गाय का मिल्क, वो गाय जो हरा चारा खाती है उसका इस्तेमाल करें, ये इसका दूध नुकसान नहीं करता। भैंस के दूध में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, और प्रोटीन ये खाएं, प्रोटीन वाली चीजें खाएं, जैसे गाय के दूध का पनीर हो गया, अगर जो वेज खा सकते हो एग का व्हाइट खाएं, फिशेस खाएं, चिकन खा सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं, और जो प्योर वेज खाते हैं वो पनीर, दाल का चीला, सोया मिल्क, ये सब इस्तेमाल करें, डॉक्टर साहब, और आपने बहुत फ्राइड अच्छी नट्स। जानकारी दी। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि हमने थोड़ी सी बात करने की कोशिश भी की इसके ऊपर, कि मतलब बहुत सारे इवन डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि हार्ट अटैक एकदम से नहीं आता, कुछ जी महीने पहले इसके कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो अगर थोड़ा सा आप इन्हें बताएं कि वो सिम्टम्स क्या होते हैं, दर्शकों को थोड़ा मदद मिलेगी कि वो डॉक्टर के पास इन टाइम जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि एक तो सबसे पहले आपको, आप उस हाई रिस्क कैटेगरी में, मतलब अनफॉर्चुनेटली अभी तो जो एक्सपायर हुए हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में भी नहीं आते, जिनके फैमिली में प्री हार्ट प्रॉब्लम की, जिनकी एज 40+ हो गई है। अब चलो खैर, एज तो अब कोई क्राइटेरिया रहा ही नहीं है, अब इसका आप तो कोई लेने रहा ही नहीं। भी इन्वॉल्व हो रही है, बट जितनी हो गई है 40+, एटलीस्ट वो जो डायबिटिक हैं, जिनका हाई बीपी है, जिनके फैमिली में हिस्ट्री है, जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनको ट्रंकल ना हो के एब्डोमिनल ओबेसिटी है, मतलब वेस्ट रेशियो का
एबनॉर्मल है, ऐसे लोग अपना कार्डिक चेकअप कराएं और इनके जो सिम्टम्स है, अपने सिम्टम्स आने के, जैसे वो चल रहे हैं, तेजी चल रहे हैं, उनका सांस फूल जा रहा है, घबराहट हो रही है, ये निचले जबड़े से लेके छाती के बीचों बीच नाभि तक ना जा रहा है, अगर एक्सरसाइज करें, इसका मतलब कि इनको हार्ट अटैक का फ्यूचर में खतरा है। अपना कार्डिक प्रॉपर चेकअप कराएं और इसी से फिर पता चलेगा कि आगे उनका स्वास्थ्य कैसा रहना है, जी एटलीस्ट हार्ट के में। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मैं चाहूंगी कि हम ऐसी बात जल्दी जल्दी करते रहें, जी बिल्कुल बिल्कुल वीकली भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब बिल्कुल बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, जैसे आपने संकेतों को अंडरलाइन करा इस तरीके से। तो एक बेटर हेल्थ के लिए हम अगर जल्दी जल्दी बात करें इसी जी माध्यम से, तो मैं समझती हूँ कि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे भी बहुत लगेगा। जी, तो आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शॉर्ट नोटिस पे मेरे शो में आना स्वीकारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और नमस्कार, दर्शकों की ओर से भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।